था। अच्छा, किसी को इस बहस के बारे में और कुछ कहना है? हाँ, मुझे कहना है। अच्छा ये बताओ, सीरियल का फर्स्ट लेटर क्या होता है? सी होता है ना? हाँ बिल्कुल। और कोरियन में क्रंची कहाँ से शुरू होता है? वो भी सी से ही शुरू होता है ना? हाँ बिल्कुल। इसीलिए मुझे लगता है सीरियल का मतलब सिर्फ क्रंची सीरियल। देखो, मुझे ऐसा लगता है आरम अपनी अजीबोगरीब बातों से सच को जुटलाना चाहता है। अच्छा, तो सच क्या है तुम ही बता दो मिस्टर सॉफ्टी। तो सच ये है कि सीरियल के अंदर हम दूध क्यों डालते हैं, तुम ही बताओ जंको। उन्हें सॉफ्ट बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, उन्हें सॉफ्ट बनाने के लिए। तो देखा, यही सही है, आरम बिना काम के सच से दूर भाग रहा है। हाँ, तो उन्हें सॉफ्ट करने के लिए दूध ही क्यों मिलाते हो, पानी क्यों नहीं मिलाते? अच्छा, तो तुम्हें क्रंची सीरियल इतने पसंद है, तो अगली बार से उन्हें दूध से मत खाना। अच्छा, तो ये बताओ उन्हें क्रंची क्यों बनाया जाता है? हाँ, मुझे पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि उनका नाम सी से शुरू होता है ना, इसलिए क्रंची बनाए जाते हैं। ये क्या बात हुई? अच्छा, तो तुम बहुत अच्छे से ये जानते हो। देखो, सभी सच बोलो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जेहब, तुम बताओ, तुम सब सीरियल खाते हो कि नहीं? सिर्फ सच बताना। मुझे सब पता है। सच कहो तो सब सीरियल। खुद से झूठ बोलना बंद करो। ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? टेबल को हिट करना बंद करो। माफ करना दोस्तों। सुनिए, ये बहस कब पूरी होगी? देखो, सीरियल को सॉफ्ट होने में तो बहुत समय लगता है, तब तक क्या हम उसका इंतजार ही करते रहे? क्यों, नूडल बनने में भी तो बहुत समय लगता है, तब तुम इंतजार नहीं करते हो क्या? बताओ जेहब, अब क्या तुम नूडल भी क्रंची खाते हो? अब तो तुम लोगों ने तो हद ही कर दी। इस बार तुम लोगों की बात सही है। हाँ, पर नूडल को तो पकाना जरूरी होता है ना? हाँ, तो हम भी सीरियल पका के ही खाते हैं। टीम क्रंची, आप लोग इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अगर सॉफ्ट सीरियल इतने अच्छे होते हैं, तो लोग क्यों कहते हैं कुछ अच्छा बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। टीम सॉफ्टी, आपको कुछ कहना है? क्योंकि सीरियल इसलिए क्रंची होते हैं क्योंकि उनको लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए फ्राई किया जाता है। जो सच है वो सच है, आप सच को झुठला नहीं सकते। तो फिर तुम अपने स्नैक्स में पानी डाल के क्यों नहीं खाते उनको सॉफ्ट करने के लिए? आइला, ये बात जिनको कैसे पता चली? तो क्या तुम सच में ऐसा करते हो? हाँ? क्या? वैसे भी मुझे खाने में सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, आप सब ये बताओ, क्या आपको पता है सीरियल कितने टाइप के आते हैं? हाँ, मुझे पता है। हाँ, अच्छा, तो आप क्या चॉकलेट सीरियल के बारे में भी जानते हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हम सीरियल को सॉफ्ट नहीं करेंगे तो उसका अंदर का चॉकलेट दूध में कैसे घुलेगा और दूध चॉकलेटी कैसे होगा? हाँ, लेकिन तुम चॉकलेट मिल्क अलग से भी खरीद सकते हो। हाँ बिल्कुल, वो तुम बाहर से भी खरीद सकते हो। हाँ, लेकिन देखा, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, पर हमें तो सीरियल वाला ही चॉकलेट मिल्क पसंद है। अरे चुप कर जाओ तुम सभी, नहीं तुम दुकान से भी खरीद सकते हो। अरे भगवान के लिए चुप हो जाओ, मुझे भी कुछ बोलना है। वैसे जंगकुक को वहाँ पर जज बना के क्यों बिठाया? उसने वैसे भी कुछ नहीं किया। मैं बोलूंगा तब ना जब तुम लोग मुझे बोलने दोगे। देखो, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सीरियल तो सॉफ्टी अच्छे लगते हैं, सॉफ्टी ही सीरियल खाने चाहिए। मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोलो। देखो, टीवी में जो एड दिखाते हैं उसमें कहते हैं सिरदर्द से शक्ति मिलेगी, जिन टाइम बुरा हो चुका है। हाँ, जिन तुम्हें तो बोलने नहीं दिया। अच्छा ये बताओ जंगकुक ने कौन से वर्ड सिलेक्ट किए थे जो हमें नहीं बोलने थे? लेकिन कमाल की बात ये है, तुम में से किसी ने वो वर्ड नहीं बोले। मुझे लगा बोलोगे तुम लोग। कौन से थे वो वर्ड? पहला वर्ड था मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और दूसरा था क्या कहा आपने, और मैंने पूछा भी था आपसे कि आप इस बात से सहमत है, पर किसी ने मुझे नहीं सुना। पर ये भी कोई बहस थी क्या? बकवास थी ये। हाँ बहस, वैसे भी बहस क्या जरूरी है, जो पानी डाला जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। तो आपका दूसरा टॉपिक है, आपको ब्लैक बीन सॉस नूडल्स के ऊपर अंडा डालकर खाना पसंद है या मटर डालकर खाना पसंद है? क्या नहीं, मटर तो बिल्कुल भी नहीं, मैं एग की तरफ हूँ। सुनिए, मैं भी एग की तरफ ही हूँ, मटर बिल्कुल नहीं। सुनिए, हम तीनों को एग पसंद है। हाँ, और मुझे मटर से नफरत है, इसीलिए मैं उसकी तारीफ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तुम सब सुनो, कोई किसी की बात नहीं काटेगा इस बार, किसी को अगर बोलना है तो वो अपना हाथ ऊपर खड़ा करेगा। सभी को बोलने का मौका देना है। ठीक है, हम समझ गए। चलो तो फिर बहस की शुरुआत ठंडे पानी से करते हैं।
कर रहा है। मैं था वो जिन पास में बैठ के एट कर रहे हो, तुम लोग पूछ रहे हो कौन एट कर रहा है। मुझे तो इस कान से सुनाई भी नहीं देने लगा। ओ सुनो भी, एक बार खड़े हो ना। अरे बस बस बस, अब बहस शुरू करते हैं। हाँ चलो, अब इस बारे में बहस शुरू करते हैं। ब्लैक बीन सूप नूडल्स के ऊपर एग ज्यादा अच्छे लगते हैं या मटर? हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है ब्लैक बीन सूप नूडल के ऊपर एग ही डालना चाहिए। अब आप सोचेंगे वो महंगा मिलता है। हाँ, क्योंकि वो उसमें एग डाल रहे हैं, क्योंकि वो उसमें कुछ अच्छा डाल रहे हैं। हाँ, इसलिए वो महंगा मिलता है। हाँ चलो ठीक है, अब आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है? देखो, पहले के समय में हम ब्लैक बीन सूप नूडल को हमेशा खा सकते थे, बिल्कुल चावल की तरह, क्योंकि वो पहले बहुत सस्ते और टेस्टी मिला करते थे और लोगों को बहुत पसंद थे। अगर उस समय इसमें एग डालकर इन्हें महंगा कर दिया जाता तो इसे कौन खाता। इसलिए ब्लैक बीन सूप नूडल तभी अच्छे लगते हैं जब इसमें मटर की तरह सस्ती और हेल्दी चीज मिलाई गया है। चलो तुम लोग बोलो, मुझे कुछ कहना है। जैसा कि हम सभी लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और मटर वाले नूडल्स ऑर्डर करते हैं, तो उसकी मटर खाते ही कौन है? हाँ जिमिन ने बिल्कुल सही कहा, मैंने कभी नहीं देखा किसी को खाते हुए। मैं तो हमेशा ही उन्हें बाहर निकाल देता हूँ, आखिर मटर कोई खाए क्यों? जिमिन तुम मटर खाने वाले लोगों की बेइज्जती कर रहे हो। मैं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। अच्छा, तो इन लोगों ने काफी कुछ कह दिया, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मटर बहुत ही हेल्दी होते हैं, हम नूडल खाने के साथ साथ हम हेल्दी भी रह सकते हैं। लेकिन मेरी बात सुनो। क्या बोला था तुमने? नहीं लेकिन मेरी बात सुनो। नहीं लेकिन होते हैं। क्या तुम्हारा कहने का मतलब है एग अच्छे नहीं होते? नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा ब्लैक बीन सूप नूडल किसे पसंद है? वी को पसंद है? वी को बहुत पसंद है। अरे नहीं नहीं, हम सब में सबसे ज्यादा किसको पसंद है? इन्हें खुद ही नहीं पता है। हाँ वी को बहुत पसंद है, वी दिन में एक बार तो खा ही लेता है। हाँ मुझे माफ करना दोस्तों। अरे खड़े होना क्या जरूरी था? चैनल के सब्सक्राइब बटन पर मुक्का मार के जाना, वरना मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज।